स्ट्रॉन्ग है किसी और प्लेयर के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे पुश कर रहे हैं सिद्धू, भी पुश कर रहे हैं। आई थिंक पूरा स्क्वाड फिनिश हो चुका है यहाँ पे। ओआरबी का एंड सोल मॉडल ऑल्सो गॉट दैट किल, दो किल इनकी भी हो चुकी हैं। छह स्मोक ये क्रैक कैरी कर रहे हैं, अब पांच बचे हैं इसके बैग में मॉडल के। देखते हैं क्रेट में इनको लूटनी पड़ेगी एट द सेम टाइम, बिकॉज जोन जब क्लोज इन होगा तब आपके पास सफिशियंट थ्रोएबल्स भी होने चाहिए। अभी टीम सोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीन किल्स ऑलरेडी आईएनडी के पास है, किल्स बराबर करें उसके बाद बस क्लाइम करें। और मीनवाइल मॉर्टल ने एक और प्लेयर यहाँ पे चटका दिया जो है टेम्पेस्ट। अब टेम्पेस्ट को ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी होगा, उसके बाद किल का डिपार्टमेंट ओवर, किल ओवर, अब बस बचना है गेम के आखिरी तक। फिर अगर 13 पॉइंट लेने हैं फिर, हाँ, कुछ भी करके अब 13 राउंड की एडवांटेज लेनी है। और 13 राउंड बड़ी बात नहीं है, आपको मैक्सिमम टॉप 10 के अंदर आना है जहाँ पे आपको 15 से 16 पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद वारे न्यारे सीधा ग्रैंड फाइनल, सीधा बर्लिन, और ग्रैंड फाइनल में बिल्कुल छाती चौड़ी ऐश पे बैठेगी टीम सोल। एग्जैक्टली, यहाँ पे ऐश को नॉकडाउन करते हुए हाइड्रा गॉड किल विद द डीपी स्प्रे कमिंग अप, एंड पीछे से फिर से हाइड्रा ट्रिगर का भी स्प्रे आता हुआ, एंड गॉड किल फिर से वो डीपी का मैग रिलोड करके फिर से वापस चढ़ गया वहाँ पे, एंड फोर्स करी व्हीकल एट सेम टाइम, फिर वापस आया डीपी का मैग रिलोड एंड ट्रिगर फिर से वहाँ पे एडीएस ओपन करके देख रहे हैं। 8-bit का स्क्वाड है ऊपर हायर रिज में, एंड धीरे धीरे जोन भी क्लोज इन हो रहा है। LEFP का स्वैग, पैराडॉक्स एंड इनकोर, डाकू का लैंसर भी अभी जिंदा है, ETG का भी स्क्वाड यहाँ पे, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्राउड का भी एंड हमारा भी यहाँ पे ध्यान है, बिकॉज ETG को भी अपनी थर्ड पोजीशन सिक्योर करनी है। टाइगर प्रिंस, कैरी, सयम और मवी एक स्क्वाड हाउस यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। सोल का पूरा स्क्वाड इनके पास, आई थिंक एक अच्छी पोजीशन है, एंड इनका कवर देखो, चार या पाँच, मैं कहता हूँ कि मॉर्टल ट्रैवल एजेंसी, बिकॉज ये जब नॉर्मल कस्टम्स भी खेलते हैं इनके पास पाँच या छः गाड़ियों से कम होता नहीं है कुछ, एंड ये जो कवर बनाते हैं यू कैन से दैट मॉर्टल। अब यहाँ पे अगर बात करें सोल के पास दो किल्स हैं, इसका मतलब वो 11 पॉइंट्स पीछे हैं, और अभी अगर वो सोल अभी निकलती है तो उनको पूरे मिलेंगे, 9वीं पोजीशन पर अगर निकलते हैं तो उनको मिलेंगे 8 पॉइंट्स, तो इसका मतलब अभी भी थोड़ा पीछे हैं वो। वही कह रहा हूँ, अभी बस थोड़ी किल्स, थोड़ी सी किल्स और एक दो पोजीशन और हमें हमारे विनर्स मिल जाएंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे देखो चारों प्लेयर जिंदा है, तो ये लोग इतनी जल्दी तो आउट होने नहीं वाले, बिकॉज आपको भी पता है ये बदमाश हैं, ये नहीं जाएंगे, ये अब जीत के जाएंगे। एक बार ठान लिया और जो लगन से, जो कंसिस्टेंसी, ये होता है एक प्रोफेशनल टीम जो सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेती है। जो स्काउट ने किया वो जोश था, और जोश में आगे होश खोया, अपने वजह से दलजीत पिक ऑफ हुआ, ट्रांस क्रिएटर, स्काउट पे काफी प्रेशर होगा इस वक्त। वो मैं एक सोचता हूँ कि एक वो ऐसा मैच यहाँ पे खेल के गए हैं, जो ये बीच में फिफ्थ, सिक्स या सेवन्थ मैच होता तो समझ भी आता वाली स्ट्रैट कि आप ज़्यादा किल्स के लिए जा रहे हो या तो फिर एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो टूर्नामेंट में, बट आखिरी मैच जब आपके पास ऑलरेडी एक टिकट आपके पास बर्लिन की है तब आप कुछ सिक्योर कर नहीं चाहते। यहाँ पे मीनवाइल यहाँ पे स्क्वाड हाउस में ये लोग स्लैम करेंगे सोल का टीम, राइट हैंड साइड में ETG मैगजीन, ETG एग्जिस्टेंस वहाँ पे नॉकडाउन, एंड टीम टाइगर, इंडियन टाइगर वहाँ पे है। एट द सेम टाइम टाइगर स्वयं के नीचे वहाँ पे कार स्लैम करी है, टाइगर स्वयं के ऊपर पूरा प्रेशर है, बिकॉज सोल पुश कर चुके हैं उसी सिमिलर कंपाउंड में। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का किल कंफर्म करते हुए सोल ओवेज, एश ने यहाँ पे टाइगर कैरी को नॉकडाउन करा ऊपर। अब देखते हैं कैसे ये लोग पुश करेंगे, सोल के पास एक्सपीरियंस है स्क्वाड हाउस में पुश करने का, पहले भी देखा हुआ हम लोगों ने टूर्नामेंट में, बट यहाँ पे थ्रोएबल बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मीनवाइल वाइपर को फिनिश करा ओवेज ने, यहाँ पे ETG मैगजीन को निकाला, एंड सिर्फ यहाँ पे टाइगर्स वर्सेस सोल बचा हुआ है उस स्क्वाड हाउस में। यहाँ पे मीनवाइल यहाँ पे 8-bit टेड को यहाँ पे नॉट ऑन करा हुआ, हाइड्रा की टीम यहाँ पे बहुत टीमों खेले दिक्कत पैदा करती हुई, पहले INDI के लिए करी थी एंड यहाँ पे अब 8-bit के लिए। Meanwhile, Tigers की कैरी ने यहाँ पे 8-bit टेड को निकाला, 8-bit ले काफी बड़ा शट डाउन, सारे प्लेयर एक एक करके जा रहे हैं। यहाँ पे मॉर्टल का आई थिंक कि ग्रेनेड था जो शायद से ऊपर टेरेस पे फूटा था, मैं किल फीड देखना चाहता हूँ यहाँ पे अगर दिख सकता है, मेरे ख्याल से मॉर्टल नहीं फेंका था वो गैराज हाउस से ऊपर स्क्वाड हाउस की टेरेस पे, बट देखते कितनी जल्दी ये लोग पुश करते हैं। अच्छी बात ये है सोल के पास चारों प्लेयर जिंदा है, एंड टाइगर के भी चारों प्लेयर जिंदा है, देखते हैं 4v4 प्रोफेशनल। एक अच्छा नेड रौनक, मिस्टर नेड रौनक, आज एक और नेड हो जाए बिल्कुल उछाल के सीधा टाइगर्स के बीच में फटे और पता चल जाए कि क्या होगा, बट वहाँ पे टाइगर्स को भी कम हाँकना एक बहुत बड़ा पाप होगा, बिकॉज पहली दो गेम जीत के इतिहास और सीधा ड्रॉप भी देखिए कहाँ आया है, ये तो गोद में आ गया बिल्कुल ही, आप ले लो। और ये लालच है, ये प्योर लालच है कि इन दोनों को लगा होगा कि कोई भी गया, बट दोनों टीम इतनी समझदार है वो छूने भी नहीं जाएंगी, वो लाल धुआं खत्म हो जाएगा फिर भी मॉर्टल जाएगा यहाँ पे। आई थिंक अगर उसके पास स्मोक्स हैं, बिकॉज मैंने देखा था उसके बैकपैक में ऑलरेडी 5 या 6 स्मोक्स हैं, वहाँ पे LEFP स्वैग यहाँ पे टाइगर प्रिंस को किल देती हुई, तो ये ETG के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे, बिकॉज ETG पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, अगर कहीं पे टाइगर हाई किल निकाल के चली गई हो चुका है फैसला,
पांच टीम बची हैं, सोल टिकी हुई है, 14 अंक पूरे आने वाले हैं। एंड एनकोर यहाँ पे एक अच्छे ग्रेनेड से नॉकडाउन होता हुआ, टाइगर स्वयं यहाँ पे एनकोर को पूरा फिनिश करा। एंड आई थिंक कि सोल मॉडल ने यहाँ पे ग्रेनेड मारे, उसने वहीं पे सेम अंदर कंपाउंड में बच गया मॉडल जैसे करके। दैट वाज क्लोज, एन एरर, व्हाट अ क्लोज, व्हाट अ क्लोज, एक एरर था बट नेवर माइंड। अब पांच पोजीशन बची है, पांचवें पोजीशन को मिलेंगे 14 अंक। तो वी गॉट आवर विनर्स, आई थिंक सोल यहाँ पे निकल चुकी है अपने बोरलेल के टिकट के लिए। एंड यहाँ पे फाइट देखनी है, बस अब फाइट को एंजॉय करें। यहाँ पे मीन वाइल ओवेंस ने टाइगर स्वयं को नॉकडाउन करा है, देखते हैं कितनी जल्दी पोस्ट आएगा। मॉर्टल भी यहाँ पे नॉकडाउन है सेम टाइम, हाइड्रा का पीछे से पोस्ट आ चुका है। 3v1 फाइट है आई थिंक सोल, ओके 3v2 फाइट है वाइपर और रॉने के सामने। एंड ओवेंस 3v1 फाइट है आई थिंक सोल, ओके 3v2 फाइट है वाइपर और रॉने के सामने। एंड ओवेंस भी शायद से यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करेगा और ये कोशिश करेंगे मॉर्टल को रिवाइव करने को। मॉर्टल वो प्लेयर है जो इस टीम को जोड़ के रखते हैं, बैकबोन है उनका दिमाग, और इन साथ रौनक, ओवेस और जो हमारे वाइपर है उनका गेम चलता है, दिमाग तो यहाँ पे मॉर्टल का ही। तो रौनक का रिवाइव करना बनता भी है मॉर्टल को, सीधा रिवाइव के लिए हाथ लगा दे, उनको पता है कि तीन से पहले चार और आखिरी गेम तक अगर चारों जिंदा रहे तो होगा। और ये हुई है मॉर्टल की वापसी गेम के अंदर, एक जीवन दान, और सीधा हील करेंगे अपने आप को और इस गेम के अंदर अपनी करेंगे वापसी। सबसे मोटा कंपाउंड है उनके हाथ में और आखिरी गेम उनकी मॉर्टल वेंट इन एंड ही विल हील अप। एंड यहाँ पे जैसे ही मॉर्टल को रेव मिल रहा था, यहाँ पे बस क्राउड की आवाजें सुननी थी आपको। हाइड्रा ट्रिगर वहाँ पे क्लोज इन करता हुआ, मीन मैन उसको थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा था वो ग्रेनेड का। अब बहुत ही ज्यादा स्मोक बॉल्स आपको देखेंगे इस कॉर्ड हाउस के आसपास। हाइड्रा के तीन पेयर बचे हुए हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग फॉर देयर प्राइड। एंड यहाँ पे टाइगर्स यहाँ पे अपने थर्ड पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, देखते हैं ETG के कितने पॉइंट्स हैं। एंड टाइगर्स भी यहाँ पे अगर सेकंड पोजीशन भी लेके जाते हैं, उनके किल्स आई डोंट नो कितने हैं बट दे विल मेक एन इम्पैक्ट इनटू दैट टोटल स्टैंडिंग्स। अब टीम सोल वेट कर रही है बस जैसे जैसे करके कुछ ना कुछ तो हो। यहाँ पे टाइगर कैरी ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है LEFP एन को, ओके वो प्ले जोन से नॉकडाउन हुआ। पता है अभी भी एक चीज मुझे दिख रही है, हमारी पूरे टाइम हमारा ध्यान है कि सोल और एंड में क्या होने वाला है एंड में, बट यहाँ पे टाइगर्स अगर अच्छे मार्जिन से जीती ETG नीचे आ जाएगी। मैंने वही बोला इतनी देर से, मैं वही बोल रहा हूँ और हो जाएगा कुछ गलत ETG को यहाँ पे, और इसी सिमिलर कंपाउंड में ETG मरी थी नीचे जब मैगजीन वगैरह वो लोग थे। अब लेट्स सी स्मोक बॉल्स फिर से यहाँ पे बन रहे हैं। मॉर्टल यहाँ पे बाहर से देख रहे हैं कि बालकनी में कोई है कि नहीं, एंड एक क्रूशियल ग्रेनेड यहाँ पे पूरे गेम को बदल सकता है। एंड आई थिंक ये जो जहाँ से ये फाइट शुरू हुई थी पूरे टूर्नामेंट की, IT वर्सेस सोल, वहीं पे जाके वाली फाइट खत्म हो रही है। वाइपर का एक और ग्रेनेड यहाँ पे हाइड्रा ट्रिगर को नॉकडाउन करा है उन्होंने, जोकर देखते हैं यहाँ पे रेव देता है नहीं देता। हाइड्रा गॉड किल वहाँ पे पीछे TP पे ले रहा है। एंड ट्रिगर आई थिंक पीछे जाएगा रेव होने के लिए, बहुत पैसिव खेल रही है यहाँ पे टीम IT, बट मीन वेल ओवेस ने यहाँ पे गॉड पुश कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव खेल रहे हैं। हाइड्रा जोकर यहाँ पे नॉकडाउन करा सोल वाइपर को, वाइपर को रुकना था बट अब मीन वेल 8 बिट एश भी पिक ऑफ हो चुके हैं। इट्स अ गुड टफ टाइम फॉर टीम सोल, यहाँ पे उनके वाइपर का गेम का खात्मा हो गया, तीन प्लेयर अभी भी बचे हैं। दे नीड टू डू समथिंग वेरी सून। टाइगर से एक नीचे फ्लोर भी ले लिया है, उनको पता है ये परफेक्ट टाइम अटैक करने का क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज है। और इसी के साथ ओविस को खत्म कर दिया, यहाँ पर ओविस भी नॉकआउट हो चुके हैं। Meanwhile, kill तो आ चुकी है यहाँ पर, but रौनक यहाँ पे टाइगर कैरी को नॉकडाउन करेगा। पीछे बालकनी से एक और प्लेयर कूदे नीचे, प्रिंस एंड सयम दोनों, देखते हैं रौनक को नॉकडाउन करा। सिर्फ मॉर्टल भी खत्म यहाँ पे, एंड दो टीमें बची हुई है बस, LEFP, पैराडॉक्स एंड सयम। एंड आई थिंक वो लोग जोन का डैमेज भी लेंगे, एंड पैराडॉक्स के पास कोई कवर भी नहीं है आई थिंक वहाँ पे सामने। जीत हो चुकी है पक्की यहाँ पर, लास्ट गेम में काफी हाई चांसेस थे। पैराडॉक्स कोशिश करे एक रॉकेट किया बट उतनी देर में ज्यादा देर नहीं है, और इसी के साथ इंडियन टाइगर्स एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने लिए थर्ड पोजीशन पक्की करी। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके स्कोर कार्ड पे, पूरा क्यूमुलेटिव जो स्कोर कार्ड बनेगा, क्योंकि उनको ये जीत चाहिए थी। क्या तरीका निकाला है पहली दो और आखिरी का एक, पूरी 10 गेम बाद इनको होश आया कि जीतना है हमें भी कुछ करना है, बट इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेयर के फेस पे। दे ऑल्सो न्यू, यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर के फेस में कितने इमोशंस है कि ये जो टिकट है यहाँ पे, ये जो चिकन डिनर है, ये इन लोगों को कोई एक दूसरी कंट्री की साइड पे ले जा सकता है जहाँ पे वो लोग अपने इस गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल पे दिखा सके, ग्लोबल लेवल।